बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों के लिए आज मतदान जारी है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। स्थानीय निकाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद भी मतदान में शामिल होंगे। इस बीच कटिहार में भी सुबह से ही मतदान जारी है और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार के अंचल कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मतदान किया और मीडिया से मुखातिब भी हुए। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस दौरान लोकतंत्र में विकास के लिए मतदान जरूरी होने की बात कही। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय प्राधिकार का चुनाव पूरे राज्य में हो रहा है और उसी क्रम में कटिहार क्षेत्र के हम मतदाता के रूप में आज हम अपना मत देने आए हैं। मतदान मैंने किया है। यह लोकतंत्र का एक पर्व है जो बिहार विधानमंडल के का जो उच्च सदन है उसके लिए निर्वाचन होना है, जहां जो हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं और बिहार विधानमंडल के सदस्य हैं वो अपना मत डालते हैं और मैंने अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया है। क्या अपील करेंगे पंचायत प्रतिनिधियों से मतदान को लेकर, क्या अपील करेंगे? नहीं, आज देखिए हम मतदाता के रूप में हैं इसलिए मेरा किसी प्रकार का कोई अपील करना कहीं से भी वैधानिक नहीं है। बता दें कि कटिहार जिले में कुल 3,742 मतदाता 16 प्रखंडों में मतदान करेंगे। जिले से बिहार विधान परिषद के चुनावी मैदान में कुल 8 प्रत्याशी हैं। अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सुबह सुबह ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। कटिहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी उदयन मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के निर्देश पर सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। चुनाव के मद्देनजर जिले की सीमाएं सील कर दी गई है। वहीं बात करें पूरे राज्य की तो बिहार विधान परिषद के मतदान को लेकर पूरे राज्य में 534 बूथ बनाए गए हैं। इस दौरान राज्य के मतदाता 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी प्रखंड मुख्यालयों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने 3 स्तरीय सुरक्षा के तहत सभी जिलों के DM सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदान कराने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था के तहत जिला पुलिस बल व अर्धसैनिक बलों की कंपनियों के सशस्त्र जवान मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग पुलिस टीम एवं मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी 24 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दौरान चुनाव पर्यवेक्षकों की नजर रहेगी। इसके साथ ही सभी निर्वाचन क्षेत्रों में माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार के तमाम जिलों के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।